आज ये मैं सिंबल फॉर शिवरफ और इन जड़ी बूटियों का एक साथ तेल निकालूंगा जो खुराकी और पोशाकी काम दे। तो सबसे पहले लेना है आपने 150 ग्राम, ये साबित कुचला है, साबित कुचला 150 ग्राम, सारी चीज़ें साबित है, फिर बाद में प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे करना। ये जनाब कुचला, उसके बाद 100 ग्राम लौंग लिख लें, 100 ग्राम लौंग, ये पहले भी मैं कराची कुश्ता वर्कशॉप में ये आइटम पेश कर चुका हूँ और कुश्ते बना चुका हूँ। ये देखें, ये लौंग, लौंग अच्छे वाले लेने हैं, जोज मासिल ये देखिए, तो हम कतूरा, सब चीज़ें अच्छी इतला हैं और किला बेहतरीन बनता है। ये जनाब जोज मासिल 50 ग्राम, जलवत्री 50 ग्राम, जमाल गोटा, मगज़ जमाल गोटा लेना, छिलका उतार लेना, ऊपर छिलका उतार लेना, मगज़ लेना है 150 ग्राम से जितना मगज़ निकला है। ये मालकंगनी 150 ग्राम अच्छी वाली लेनी है, सुरख मैल हो, सुरखी मैल हो तो वो काम करेगी। जनाब जायफल छिलका दूर कर लेना, मगज़ जायफल लेना, जमाल गोटे के अलावा और कुचले के अलावा, जमाल गोटे के अलावा और कुचले के अलावा बाकी चीज़ों को एक साथ सफूक कर लेना 150 ग्राम, जायफल भी 150 ग्राम, इनका सफूक कर लेना है, दादर कर लेना है, बरीक नहीं करना, पाउडर नहीं करना, दादर फादर कर लेनी है चीज़ें। ये पांच आधी मशीन के नीचे ये चीज़ें, सबसे पहले कुचला डालना है, साबित ही पीसना नहीं है, सबसे पहले कुचला डालना है जाली के ऊपर, उसके बाद फिर ये मजमूआ जो मैंने सबूत दादर फादर किया है आधा डालकर, सिंबल फार मेरे बैग में पड़ा है, मैं ढूंढ लाता हूँ, ये सिंबल फार है और शिंगर, 2 से 3 तोले जो ये मगज़ जमाल गोटे का सफूक किया है अलग-अलग बरीक करना है, मगज़ जमाल गोटा बिल्कुल बरीक कर लेना है, उसको इस मजमूए के ऊपर आधा बिछा देना है। उसके बाद ये 2 डलियाँ शिंगरेफ और सिंबल फार की उनके ऊपर रख देनी है, ऊपर बकाया जमाल गोटा डाल देना है, ऊपर बकाया मजमूआ डाल देना है, इसको अच्छी तरह बंद करके आग जला देनी है। आधे घंटे बाद प्रोसेस शुरू होगा। काफ़ी दोस्त हैं जो पहले बना कर देख चुके हैं, आज़म साहब हैं लाहौर से, इनके सामने ये चीज़ बनाई हुई है, बाकी अपने हकीम साहब जैद साहब हैं उनके सामने बनाई हुई है और तस्दीकें इसकी आ चुकी हैं। ये कुतबा फालिज लकवारे राशा पर ये सिंबल फार और शिंगर काम करता है, अलग-अलग भी पीस सकते हैं, दोनों इकट्ठी भी पीस सकते हैं, एक चावल खुराक है इसकी मक्खन मलाई के साथ, बेहतरीन रिजल्ट है। और जो तिला बनेगा वो तिला के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें अगर 50 ग्राम है तो 50 ग्राम तेल जैतून या मीठा तेल डाल लेना है, डायरेक्ट सारा नहीं लगाना, जैतून का तेल 50 ग्राम और 50 ग्राम ये या मीठा तेल, वो तिला के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दर्दों के लिए, घुटनों के दर्दों के लिए ये मालिश भी बना सकते हैं, चोट या जख्म ना हो, चोट हो लगी हुई हड्डी की, चोट दर्द हो उस पर मालिश करके भी इतने रिजल्ट ले सकते हैं। हकीम तारिक जैद फ्रॉम फैसलाबाद। बाकी चीज़ें जब मैं प्रोसेस करूँगा तो इंशाल्लाह कैमरा लगा कर करूँगा, इस चीज़ों को मैं बरीक की सवाल लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।